नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केकेदर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। और ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी और मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने एक साल पहले ऐसा ही वीडियो डाला था और आप सभी लोगों के बहुत सारी सवाल थे और आप लोग चाहते थे कि मैं उनका जवाब दूं और अभी मेरी क्या कंडीशन है, तो बहुत मुझे लगा कि जो भी लोग हैं वो टाइम टू टाइम रिकवर कर जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट लगातार 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 आप लोगों के ये कमेंट आते रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये मेरी ड्यूटी है कि आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर किया जाए और आप लोगों को ये बताऊं कि अभी मेरी क्या करंट सिचुएशन है। तो मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जो है मैंने एक वीडियो डाला था टेलोजिन एफ्लुएम पर। वो प्रॉब्लम खुद मेरे साथ हुई थी और 2018 में मुझे डेंगू हुआ था। उसके बाद जब मैं रिकवरी की पोजीशन में आने लगी तो धीरे 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 करके जो है मेरे खुद के बाल झड़ने लग गए और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया कि मुझे बाल्डनेस आने लग गई और वो बाल जो थे वो 100 नहीं बल्कि 700-800 की क्वांटिटी में थे और वो मेरे लिए किसी बुरे सपने के जैसा था, क्योंकि लगातार आप अपने बालों को खोते हुए देख रहे हो और मेरे बालों की लेंथ बहुत अच्छी थी, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। तो उस सिचुएशन में अपने और मैं ना अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। लाइक हमारी इंडियन सोसाइटी में ना लड़कियों की ब्यूटी बहुत देखी जाती है कि उसका रंग ऐसा है, उसकी हाइट ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी हाइट कम है और मेरा रंग भी सांवला है, तो मेरे पास और कोई ब्यूटी नहीं थी, लेकिन मेरे पास मेरे बाल थे जो कि मैं भी मानती हूँ कि हाँ मेरे पास एक अच्छी अच्छी नेमत थी भगवान की दी हुई मुझे हुए। तो लगातार जब मैं अपने बालों को खोता हुआ देख रही थी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं एक बीमारी के बाद तो उठी थी और उस सिचुएशन के बाद ये सारी सिचुएशन हो जाना बहुत प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। वो टाइम सारे तामझाम जो भी डॉक्टर के पास मैं जा सकती थी मैं वहाँ पर गई, मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सारे ट्रीटमेंट ट्राई किए, मुझे जिसने जो लगाने को बोला मैंने वो लगाया, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक फेज आया जब 5 महीना, मतलब मान के चलिए कि 5 से 6 महीना, हो सकता है आपको इस रिकवरी में ज़्यादा टाइम लग जाए क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी लास्ट प्लेटलेट जो थी जब मैं हॉस्पिटलाइज हुई तब उस समय 25,000 रह गई थी, तो और ब्लीडिंग भी एक सिचुएशन होती है, अगर आपको ब्लीडिंग हो जाती है तो आपकी बॉडी से और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी और भी एनर्जी और भी पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बाय चांस मुझे उस टाइम मेरे पीरियड्स हो गए और उसमें ओवरफ्लो इतना रहा कि मेरे बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन लेवल था वो बिल्कुल ख़त्म होता चला गया और बालों ने जो है टी की कंडीशन में अपने आप को ले लिया। और टी की कंडीशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेंगू हो तभी होगा, हो सकता है आपको टाइफाइड में हो जाए, कोई क्रॉनिक डिजीज हो उसमें हो जाए, हो सकता है आपको कोई इमोशनल शॉक लगा हो उसमें हो जाए। ये सारी बातें मैं अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरा थर्ड वीडियो है टीई की प्रॉब्लम के बाद। क्योंकि जो टीई की प्रॉब्लम के बाद मैंने वीडियो लगातार इसलिए बनाई क्योंकि मैं खुद लगातार उन चीज़ों पर सर्च कर रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए या सजेशन के लिए, तो मैंने वो वीडियो बनाया था। बट आज मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि एक साल के बाद मेरी पोजीशन क्या है। तो देखिए, अब मैं अपने बाल तो आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे बाल, ये मेरी करंट सिचुएशन है मेरे बालों की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज एक साल बाद भी मेरे बालों में वो चमक नहीं है जो 2 साल पहले यानी कि डेंगू से पहले थी। तो आपको बताऊं कि डेंगू से पहले जो बाल थे वो अब नहीं है और आज भी बाल आ रहे हैं क्योंकि इतना हेयर लॉस हुआ था। मैं आपको दिखाऊं, ये सारे बाल आप देख सकते हो, ये सब वही छोटे छोटे बाल है जो नए आ रहे हैं। आपको लगेगा कि हो सकता है मेरे आगे के बाल कट हो, लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ के बालों को भी देख सकते हो, ये छोटे 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 बाल, ये सारे ये जो बेबी बाल है ना ये लगातार आज भी आ रहे हैं क्योंकि बाल जो है वो स्कैल्प से टूटते चले गए थे जो नए बाल आ रहे थे। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी सवाल है कि नए बाल भी टूट रहे हैं क्या, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी पहले मैं अपनी कंडीशन के बारे में बताऊं। तो 1 साल हो चुका है, बाल तो लगभग रिकवर हो चुके हैं और अब उस अमाउंट में टूटते भी नहीं है। 5 से 6 महीने के बाद ही मेरे साथ ऐसा मतलब बाय गॉड ग्रेस मेरी सिचुएशन आ गई थी कि मेरे बाल ठीक हो गए थे, लेकिन जो बाल चले गए उनकी जगह पे जो बाल आए वो बाल ना ड्राई भी हैं,
वो बाल, मैं मेरे बाल कुदरती स्ट्रेट थे, बिल्कुल भी मुझे कभी प्रेसिंग की या फिर स्ट्रेटनर की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने कभी नहीं स्ट्रेटिंग किया, इनफेक्ट अभी भी नहीं किया हुआ, लेकिन बालों में वो शाइन या वो स्ट्रेटनिंग नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। ये देखिए ये है बाल और नीचे से इनकी ये पोजिशन है, ये आप देखिए, मतलब वो बात है ही नहीं जो पहले थी। मतलब पहले लोग मेरे बालों को छू के मतलब अंदाजा लगाते थे कि कितने अच्छे बाल हैं, लोग मुझसे सजेशन मांगते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो बाल आ चुके हैं, बाल झड़ते नहीं है, ये भी क्लियर है, लेकिन बाल जो है ना वो अब उतने अच्छे हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने खान पान पर ध्यान नहीं दिया है, या मैंने अपना अपना ऑयलिंग का या अपना शैम्पू का रूटीन ख़राब कर रखा हो। बालों में प्रॉपरली तेल लगाना मेरा रूटीन में शामिल है, और अभी सर्दियाँ हैं तो मैंने आंवले का जूस भी निकाल के रखा है। जब भी मैं बाल धोती हूँ तो उनको बालों को एक बार हल्के से मसाज कर लेती हूँ, फिर बाल धोती हूँ। तो जो भी, ये तो खैर मेरा हमेशा से रूटीन रहा था क्योंकि मेरे बाल थे ही तभी अच्छे, लेकिन अब जो है ना वो बाल वो पहले वाली बात नहीं है। लेकिन बाल नहीं आए ऐसा नहीं होता है, बाल आए और बालों में जो बेबी बाल हैं वो हैं, और बाल अभी भी आ रहे हैं, एक साल बाद भी आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बाल जो है ना वो हर महीने जो है कुछ इंच बढ़ते हैं, तो आपके उन बालों को आने में तो टाइम लगेगा जो आपके बाल चले गए। और टी की प्रॉब्लम है तो बाल जड़ से चले जाते हैं ना, तो जड़ से टूटने, जड़ से कोई चीज़ चली गई, वो जगह खाली हो गई, अब आप वहाँ पर नई चीज़ देखना चाहते हो तो उसमें वक्त लगेगा आपको। बट आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल थे दोस्तों, तो मैं आज उन सारे सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं, फरी या फारी महमूद जी का सवाल था, इन्होंने लिखा है, आई एम ऑल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम आफ्टर डेंगू एंड टाइफॉइड, आई एम सो सॉरी डियर। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप अभी भी इस प्रॉब्लम में हो तो आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अगर आप ठीक हो चुके हैं तो अल्लाह मियाँ आप पे मेहरबान है और आप एकदम चंगी हो चुकी हैं। तो दोस्त अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने लिखा है आपको टाइफाइड और डेंगू हुआ है, तो टाइफाइड आप समझ सकते हो आपका इंटेस्टाइन और आपके स्टमक की सिचुएशन कितने खराब हो रखी होगी। मुझे लगता है कि अगर आप गोभी बैंगन जैसी चीजें खाते होंगे तो भी अभी आपको प्रॉब्लम होती होगी, है ना। और डेंगू में तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मेरे साथ क्या हाल हुआ है, तो सारे न्यूट्रिशंस बॉडी से चले गए हैं। तो दोस्त खाने पीने पे जम के ध्यान दो, जम के इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको खाना पीना बस लेके बैठ जाना और खाते चले जाना है, हेल्दी फूड हेल्दी ईटिंग हैबिट पे अपने आपको फोकस करना है, और जंक फूड तो यार कुछ दिन के लिए छोड़ दो, क्योंकि जो न्यूट्रिशन चला गया ना उसको आप ही ला सकते हो, आप कोई दुनिया की ताकत आपके अंदर आके उसको नहीं डालेगी। और दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो एक हेल्थ होनी चाहिए ना आपकी, इम्यूनिटी आपकी घट गई होगी, तो मौसम बदलेगा या किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जल्दी उसकी कैच में आ जाओगे। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी डाइट को सबसे ज्यादा सुधारिए, है ना, और जंक फूड से बचिएगा। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास दीक्षा पांडे का, अच्छा दीक्षा पांडे ने तो इन्हीं को जवाब दिया है और इनको लिखा है कि डोंट वरी ठीक हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं इस कम्युनिटी में जो आप लोगों के साथ आ जाते हैं और आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जवाब है स्पार्क लाइक प्रिंसेस, नो वन कैन बेटर रिलेट टू दिस देन माई सेल्फ, आई एम गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर, क्राइंग एवरी टाइम आई ऑयल और वॉश माई हेयर, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन प्रिंसेस, यू आर एक्चुअली अ प्रिंसेस यार। बाल मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी नियामत होते हैं लड़कियों के लिए, लेकिन अब नहीं है या जा रहे हैं तो क्या करें ना, मतलब मैं आपको महसूस कर सकती हूँ कि आप कितने ज़्यादा दिल से दुखी होंगे, लेकिन एक वक्त है, ये फेज है, ये निकल जाएगा और घबराइएगा मत। और आप देख सकते हो यहाँ जितनी देर मैं ऐसे बात करूँ ना, आपको यहाँ के बालों में मेरे ड्राइनेस समझ में आ रही होगी, तो बाल अब उतने हेल्दी चमकदार और अच्छे वाले शाइन वाले नहीं है, ड्राइनेस आ गई है। तो माई विशेज विद प्रिंसेस। और सतरूपा कर्मकार जी ने लिखा है, सिस्टर आई गेट यू, आई एम गोइंग थ्रू द सेम फेज, होपफुली वी ऑल हील एंड ग्रो टुगेदर, माई थम्स अप। साक्षी मिश्रा, ओ माई गॉड, आफ्टर हियरिंग योर स्टोरी आई रियलाइज एंड सर्च द कंडीशन यू टोल्ड अस अबाउट इन योर वीडियो टेलोजन एफ्यूम एंड ओ गॉड now I am everyone stressed, I am suffering through this, my hairs are falling like anything from last one year, I am consulted to so many doctors, even at Dr. Batra's, but nothing helped my situation, clueless, nothing is working। तो दोस्त मैं आपसे ये बोलूंगी कि किसी भी डॉक्टर, लाइक कोई भी XYZ डॉक्टर है,
उनके पास अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही आप जाएंगे स्किन की प्रॉब्लम को लेकर। डर्मेटोलॉजिस्ट सीधे आपसे पहले 600 रुपए रखा लेगा, या आपके शहर में ज्यादा हो तो 1000 रुपए रखा लेंगे। उसके बाद वो आपको कोई लोशन लगाने को दे देंगे या कोई तेल दे देंगे कि इससे हेयर मसाज करो, और हो सकता है आप अपने इस फेज में हो कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आपको लगे कि मेरी प्रॉब्लम मुझसे खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी प्रॉब्लम अपने आप से ठीक होने वाली है, इसलिए प्लीज डॉक्टर के पास जाने से अच्छा अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द चंगी हो जाएं। श्रुति रानी, आई एम हाई थैंक फॉर योर वीडियो। आई सफर फ्रॉम डेंगू इन सेप्टेम्बर 2019। एक तो सबसे पहली बात यह ना कि हम लोगों को डेंगू से बचना चाहिए, हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता वो कब मच्छर आ गया, हमको काट गया या क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमको डेंगू हो गया। मुझे भी नहीं पता था क्योंकि एकदम से सडन मुझे वो प्रॉब्लम हुई और हो सके, लेकिन फिर भी हम लोगों को खुद से इनिशिएट लेना होगा, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट जो है वो फॉगिंग करवा रही है या नहीं करवा रही है इसकी श्योरिटी भी नहीं है, या हमारे घरों में पता नहीं वो मच्छर कहाँ पनप रहा है, तो हमें इस बात का खुद से भी ख्याल रखना होगा। तो डियर, आप अपना जरूर ख्याल रखिए, और अभी तो मुझे लगता है कि आप इस फेज से गुजर रही होंगी, क्योंकि आपने लिखा है कि आपको अभी हाल ही में सितंबर 2019 में ये प्रॉब्लम हुई है। तो श्रुति रानी, मैं आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो माय डियर, एंड मेरी विशेष आप तक पहुंचे। दीपांकिता सयाल ने लिखा है, स्टार्टेड क्राइंग वॉचिंग दिस। क्या बोलूं मैं आपको, रो मत, बस आप ठीक हो जाएंगे। तन्मय पोतवार, हाउ मच टाइम विल टेक टू फुली रिकवर ऑफ हेयर्स? मेरी कंडीशन में मुझे 5 से 6 महीने लगे थे, उसके बाद नए बाल आना शुरू हुए और बेबी बाल नहीं टूटे। आई कैन फील यू, ये लिख रही है अर्नवी एम्बादे। आई हैव हेयर बिलो माई वेस्ट, आई हैव बीन इन द फेस 6 months ago एंड आई एम गोइंग थ्रू इट अगेन, इट वॉज सो थिक, आई एम लिटरली डिप्रेस्ड, आई होप आई रिकवर सून। येस, यू विल रिकवर सून डेफिनेटली। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अच्छा खाइए, बायोटिन प्रोडक्ट्स लीजिए। बायोटिन प्रोडक्ट्स में मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जाके बायोटिन वाली चीज़ें खरीद लाएं, बायोटिन से मेरा मतलब है कि जो फूड या जो भी ड्राई फ्रूट्स एनरिच होते हैं बायोटिन से, उनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। लाइक मैं हमेशा अपना एक पर्स में एक छोटा सा डिब्बा है जिसमें मैं हमेशा बादाम कैरी करके चलती हूँ ऑफिस में, या फिर कहीं पे भी ट्रिप पे भी, या फिर डेली रूटीन में भी जब भी मुझे वक्त लगता है, तो मैं 4 से 5 बादाम जरूर खाती हूँ। और भिगोने भिगोने का मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं डेली रूटीन में ऐसे लेती हूँ। और जो लोग घर में रहते हैं उन लोगों के लिए मेरी एक टिप है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे ना अखरोट और बादाम का एक मिक्स बना के रख लो, और उसको डाइनिंग टेबल पे रखो। जब भी आप खाना खाने बैठो डाइनिंग टेबल पे, आपके जितनी देर में खाना आ रहा है उतनी देर में 2 बादाम खा लो, या फिर जब आप सुबह नाश्ते में हो तो 2 बादाम खा लो, दोपहर में हो तो 2 बादाम खा लो, रात में हो तो 2 बादाम खा लो, तो दिन का कोटा पूरा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोहन महादिक ने लिखा है, प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम सफर्ड मलेरिया। ओ माय गॉड, आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल 3 months अगो सिंस आफ्टर मलेरिया। आई एम हैविंग माय हेयर लॉस वेरी बैडली, कैन यू सजेस्ट मी समथिंग प्लीज? तो दोस्त, आपका भी 3 months पहले का ये कमेंट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप ठीक हो गए होंगे, रिकवर हो चुके होंगे। कोशिश कीजिए, आपको मलेरिया हुआ था तो आपके अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो गई होगी। आप जहाँ तक हो सके ना अनार का जूस पीजिए, अनार महंगे हैं, जूस ना भी पी सकें तो आप घर में जो है 100 रुपया या 150 रुपया इस समय होगा अनार जो है, मैंने पूछा था तो 100 रुपया था, अभी कल परसों ही मैंने लेके आई हूँ, तो 100 रुपये का अनार है, अगर उसमें 4 अनार भी चढ़े और आपने उसको एक बार छील के रख लेना। देखिए, एक तो एक इंडियन घरों में हम क्या करते हैं, अनार लेके आ जाते हैं लेकिन उसको फ्रिज में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, या छोड़ देते हैं इन द सेंस कि टाइम नहीं है किसी के पास भी, कोई अनार छीलना भी कई लोगों के लिए बहुत आफत होती है। तो आप क्या कीजिए, एक दिन बैठिए या एक दिन जब भी आपको टाइम मिल जाए उस दिन फटाफट छील के एक प्लास्टिक वाले जो डब्बा है आपके पास, या जो भी मतलब टाइट डिब्बा है, यहाँ से मेरा मतलब ना एयर टाइट डिब्बा है, उसमें रख लीजिए, और जब भी आप अपने ऑफिस के लिए निकले छोटे टिफिन में उसको लेके चले जाइए, या फिर घर पे बैठे हैं तो 2-3 चम्मच खा लीजिए डेली रूटीन में, ऐसा कीजिए, तभी बालों के लिए कुछ हो पाएगा दोस्त, वरना बहुत मुश्किल है, और अपनी जिंदगी तो खुद ही संवारनी पड़ती है। तो मेरा यही सजेशन है आपको। बर्नाली भट्टाचार्य ने 3 महीने पहले लिखा था कि दीदी, मैं 19 साल की हूँ, आई डोंट हैव एनी डिजीज बट दीज आर द सेम सिम्टम्स हैपनिंग, व्हाट टू डू, प्लीज हेल्प मी दी, आई कांट, आई एम टायर्ड नाउ। आप थक चुके हो, आपको बहुत समस्या है, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो यू आर वेरी यंग, आपने बताया है कि आप अभी 19 साल की हो,
तो बच्चे आप एक बार तो ना जाके किसी होम्योपैथी ट्रीटमेंट में जाइएगा, अगर जाइएगा तो, क्योंकि एलोपैथी में तो मुझे लगता है कि पैसा वेस्ट होता है। एक बार होम्योपैथी से सलाह ले लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपके बाल झड़ना बंद नहीं होते तो अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए एक बार तो, क्योंकि इतनी कम उम्र में और आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन चेक कराइए और आयरन का लेवल जरूर देखिए कि क्या कमी है, और आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हो। चेतु कुमावत आई थिंक, सेम मेरी हेयर भी बहुत लंबी थी, आई फेस सेम सिचुएशन, आई लव हेयर मोर देन मी। यस, आप मेरे से रिलेट कर पाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसके बाल होते हैं ना उसको पता होता है, क्योंकि हम लोग यार बहुत संजो के रखते हैं। आप देखिए हर कोई हेयर कट करा लेता है क्योंकि वो कैरी नहीं कर पाते हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। बट जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको वाकई लंबे बालों से प्यार होता है ना, वो अपनी सारी तमाम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके अपने बालों का ख्याल रखते हैं। तो वो चीज़ें जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनको अपने पैरों से बहुत प्यार होता है, बहुत सारे लोगों को अपने नेल से बहुत प्यार होता है, हम लोग हैं जिनको अपने बालों से बहुत प्यार है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो प्लीज वाहिगुरु जी सबको ठीक कर दें। एक मैं अगर किसी का नाम लेने में गलत बोलूं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। शुभम ने लिखा है, आर योर हेयर नॉर्मल नाउ? तो मैंने बता ही दिया दोस्तों आपको कि मेरे बाल नॉर्मल तो हैं, लेकिन ये जो बेबी बेबी बाल है ना वो हैं और ड्राई बाल हैं। और अब जो है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन क्योंकि बाल ड्राई हो चुके हैं तो नीचे के जो बाल है ना, ये देखो ये ऐसे हैं, ठीक है। और स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, मतलब दो मुहे बालों वाली समस्या तो मुझे हो ही रही है। जिनी विस्ले आई थिंक ये जो है ना बाहर का कॉमेंट है, मतलब किसी विदेशी ने, व्यूअर ने लिखा है, आई एम 15, आई हैड सिवियर डेंगू व्हेन आई वाज 13, आई हैड थिक हेयर डाउन माई वेस्ट बट ड्यू टू द हेयर लॉस आई हैड टू कट इट अबव माई शोल्डर, इट्स ग्रोइंग इन लेंथ बट नॉट इन थिकनेस, कैन यू प्लीज सजेस्ट समथिंग? आई कॉन्ट से एनी थिंग अबाउट दिस बिकॉज माई हेयर ऑल्सो, मैं आपको दिखाऊँ अपने बाल तो इनकी थिकनेस इतनी नहीं रही है दोस्तों, ये देख रहे हो आप, थिकनेस इतनी है ही नहीं, ये पतले हैं, पतले ही हैं, इनको आप मोटा नहीं बोल सकते अब। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर मेरी किसी भी जगह पे आपको लगता है कि मैं गलत हूं, या मेरा सजेशन आप लोगों को, या मेरा सजेशन जो भी मैं दे रही हूं ना वो कहीं गलत है, तो प्लीज आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि बात बालों की है। मोइनी कुरेशी ने लिखा है, हे देयर, आई जस्ट वांट टू आस्क, माय आई एम गोइंग थ्रू सेम फेज, विल माय हेयर ग्रो बैक टू नॉर्मल? यस डेफिनेटली, आफ्टर 5 to 6 month, अगर आपको बहुत ज्यादा डेंगू में प्रॉब्लम नहीं रही, जैसे मुझे 3 से 4 दिन में डेंगू में एडमिट रही और उसके बाद 15 दिन में मेरी रिकवरी हो गई थी, तो 5 से 6 महीने के बाद मेरे बाल ठीक हो गए थे, मतलब झड़ना बंद हुए थे, और रिकवरी होने में तो अभी भी चल ही रहा है, आप देख सकते हो। वाइस सो सीरियस कोई कोई है, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने किसी टैबलेट के बारे में जिक्र किया है, तो दोस्त मैं टैबलेट के बारे में कोई कोई भी जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने मैंने इन सब चीजों पे भरोसा ही नहीं, मतलब मेरे को अब है, क्योंकि इनसे कुछ हुआ ही नहीं था मेरे मामले में। हृदय प्रधान ने लिखा है, सिस्टर आई एम गोइंग थ्रू अ ह्यूज इमोशनल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ब्रेकअप, आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ द इवेंट आई नोटिस दैट माई हेयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिनर देन बिफोर एंड लॉस्ट वॉल्यूम, ओवरऑल हेल्थ ऑफ हेयर हैज बीन अफेक्टेड। हृदय, एक तो पहली चीज कि आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये 19 आवर्स एगो का मैसेज है, तो दोस्त जो आपको छोड़ के चला गया आप उसके चक्कर में अपनी हेल्थ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जिसने आपके बारे में नहीं सोचा आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? जो आपके पास आज नहीं है वो आपके पास नहीं होना था, इसलिए वो आज आपके पास नहीं है। तो अपने दिल में ना एक बार उसके बारे में सोच के और उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अब आगे बढ़िए, क्योंकि जो आज आपके साथ नहीं है वो इसीलिए नहीं, क्योंकि उसे होना ही नहीं था। तो अपनी सेहत पे तो बिल्कुल अफेक्ट मत आने दीजिए, भूल जाइए इस बात को। एंड यस, आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा जरूर आएगा, क्योंकि कभी कभी ना जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हम एकदम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, कुछ ओवर ईटिंग करते रहते हैं, तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बट
बाद में एक टाइम के बाद ना हंसी आती है, जैसे मैं भी ऐसा नहीं है कि इस फेज से नहीं गुजर रही हूँ, मैं भी गुजर रही हूँ और अभी मुझे हंसी आ रही है कि कैसे हम लोग ऐसे बेवकूफ पना करते थे। तो चल, श्वेता ने भी कहा कि उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। अनन्या गोस्वामी ने लिखा है थैंक्स अलॉट, दी हेल्प अलॉट, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। तजिंदर कौर ने लिखा है मैम वेरी हेल्पफुल वीडियो। तजिंदर जी, अगर आपकी प्रॉब्लम भी ऐसी थी तो मुझे लगता है कि आप अभी रिकवर कर चुकी होंगी। सोनाली ने लिखा है थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, मुझे आयरन डेफिशिएंसी से बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ। देखा, ये एक ऐसा नहीं है कि डेंगू वेंगू होगा, टाइफॉइड होगा या कोई प्रॉब्लम होगी तभी होगा। आयरन डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ी चीज है, हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गर्ल्स के साथ आयरन की कमी हो जाना बहुत बहुत बड़ा इशू है। लड़कियों खा लो पी लो, कोई कुछ नहीं रखा इन पिज्जा बर्गरों में, अच्छे से अच्छी डाइट लो। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन डाइट पर जाइए, अगर नॉन वेजिटेरियन तो नॉन वेजिटेरियन डाइट पर जाइए। और किसी भी ना कीटो शीटो डाइट पर मत जाना प्लीज, अगर आपको पतला होना और उसके चक्कर में आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कैट लोडोंगी, आई विश यू वर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम सो सॉरी, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है। मैं अगर कोशिश भी करूँ ना तो सिर्फ हंसी आएगी और कुछ नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी आती है बट अंग्रेजी में मैं बोलूँ और आप लोगों को समझ में आए ऐसा नहीं हो पाएगा मुझे लगता है। तो और मेरा ये मानना है कि ये बस एक लैंग्वेज है, जैसे मुझे चीनी नहीं आती, जैसे मुझे चाइनीज नहीं आती, मुझे जापानीज नहीं आती, ऐसे मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो उससे कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। कैट तो मेरे लिए दिस इज रियली सैड थिंग फॉर मी। शिवली बनर्जी, सेम हैपनिंग टू मी, आई एम वेरी स्केयर्ड। चिंता छोड़ दो, डर छोड़ दो, सब ठीक होने वाला है। विष्णु प्रिया राउत, ड्यूड आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेट लॉस जर्नी, आई लॉस वेट बट आई लॉस माई 60% हेयर। मैंने बोला ना कीटो सीटो मत करो, कुछ नहीं होने वाला यार, कैसे पतले होगे, ऐसे कैसे पतला चलेगा, शरीर में कुछ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिनरल जा नहीं रहे और आपको पतला होना है। खा के पतले हो लो। आप जितने भी अच्छे एथलीट्स के को अभी कभी जानो ना तो उनसे बात करो या उनके इंटरव्यू पढ़ो, तो देन यू विल रियलाइज कि यार वो डाइट को भी ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो डाइट पे ध्यान नहीं देते। आपको वजन कम करना है ना तो पहले एक्सरसाइज पे जाओ, देन अपना जो फूड है ना उसका मील कम करो। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पतली दुबली हूँ, मैं भी अच्छी खासी मोटी हूँ, मेरी डबल चिन साफ दिखाई दे रही होगी, और ऐसा नहीं है कि मुझे पतला नहीं होना है, बट मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं मानती कि खाना वाना छोड़ के आप पतला हो जाओ। नॉट सो फनी कमेंट किया है इन्होंने, डिड यू फेस मीटिंग ऑफ हेयर टू, ये मैंने नहीं समझ आया, क्या ऐसे चेहरों के बारों के बालों के बारे में बोल रहे हो क्या आप, मतलब कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आया दोस्त ये बात। गुलशन सिहाग ने बोला आई एम ऑल्सो फेसिंग थ्रू दिस फेज आफ्टर डेंगू, आई एम सफरिंग, सो सॉरी डियर। आम्या चक्रवर्ती, आई एम ऑल्सो सफरिंग दैट एंड आई इट्स वेरी पेनफुल एंड वेन आई वॉज एंड आई एम सनसिल्क एंड बाजार हेयर क्वीन, इट्स वेरी पेनफुल, आई एम सफरिंग सेकेंड टाइम फिर से। ओ रियली सैड यार, मैं भी सनसिल्क क्वीन थी कभी, मतलब ऐसे लहरते हुए जाते थे ना मेरे बाल, गजब थे वो दिन। स्नेहा सिंह ने कहा आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम फेज राइट नाउ, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी यूज वीडियो। थैंक्स स्नेहा कि आप यहां तक आई और आपने अपनी बात लिखी। श्रद्धे कोटा, आई रियली विश दिस वॉज इन इंग्लिश, आई एम रियली वेरी सैड। अभी मुझे लग रहा है कि मैंने, मेरे को इंग्लिश आती तो मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती थी। सौम्या ने लिखा है थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो सीरियसली। रेनबो डेज ने लिखा है आई कैन फील यू दी, इट हैपन टू मी इन 2018 एंड आई एम रिकवरिंग, अभी तो आप ठीक हो चुकी होंगी। रोहन ने लिखा है दी हे प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम सफर मलेरिया, आई वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल 3 months ago, सिंस फॉर मलेरिया। ठीक है, ऋतुपर्णा ने लिखा है थैंक्स फॉर दिस वीडियो, गोइंग थ्रू दिस बट अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग हेयर्स माई न्यू स्मॉल हेयर्स ऑल्सो फॉलिंग आउट, इट इज नॉर्मल ड्यूरिंग दिस फेस। मेरे दोस्त, मेरे तो नहीं बाल झड़े थे ये वाले, तो मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन तो कम है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट में यहाँ पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, एडवांस कॉम्पिटिशन एजुकेशन, इन्होंने लिखा हम भी डर चुके थे, हम भी डर चुके थे।
डिड ऑल योर हेयर कम बैक, सारा एस ने लिखा यस दोस्त, मेरे बाल आ चुके हैं लेकिन मेरे बाल पहले से पतले हैं, मेरे बालों में चमक जा चुकी है और मेरे बेबी बाल अभी भी आ रहे हैं और ये जो है ना नीचे से इनमें दो मुहे बालों की भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों ने ना मुझे इसमें कमेंट लिखा है कि हमें बहुत सारा स्ट्रेस था और हमारे बाल इसलिए झड़े, तो दोस्तों स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में चिंता नहीं होगी, उसको परेशानी नहीं आएगी या बस वो हमेशा मस्त रहेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेस यार ऐसा नहीं है कि बालों के लिए ख़राब है, ये ना दिल के लिए भी ख़राब है, किडनी के लिए भी ख़राब है, गुर्दों के लिए भी ख़राब है, किडनी और गुर्दे आई थिंक सेम ही बात होती है, हाँ तो किडनी के लिए भी ख़राब है, ये लीवर के लिए भी ख़राब है, तो टेंशन नहीं लो यार, ब्रेन व्रेन की नसें फट जाएंगी सोच सोच के, इतना मत सोचो, मस्त रहो, चिल रहो। आलिया हेल्थ एजुकेशन ने पूछा क्या दोबारा बाल वापस तो नहीं फॉल होंगे ना, अगर आपने न्यूट्रिशन को बना लिया तो आपके बाल कहीं नहीं जाने वाले, मस्त रहिए मस्त। डिड होम्योपैथी हेल्प, देखिए इस मामले में तो नहीं मेरे को हेल्प करा होम्योपैथी ने, लेकिन मैं होम्योपैथी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही लेते हैं। लवली पूजा ने लिखा है सेम सिचुएशन। उमा ने लिखा था प्लीज शेयर अपडेट्स ऑन योर हेयर, प्लीज शेयर बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स, मैंने उस वीडियो में भी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगाई थी बट अभी देख सकते हो आप जो भी है। तो दोस्तों ये 26 मिनट का वीडियो तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर मैं इसको, और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कोई मेडिसिन है तो मैं उनको वो बता दूँ, कोई तेल है तो वो बता दूँ, तो दोस्तों मेडिसिन और कोई तेल कुछ भी कारगर नहीं होगा अगर आप अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखोगे। मेडिसिन की जहाँ तक बात है मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली इन द सेंस की जब मुझे लग गया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैंने नहीं लिया। होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा रखता है तो मैंने वो भी किया लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। और जहाँ तक हेयर ऑयल करने की बात थी तो मैंने कैस्टर ऑयल जो कि अरंडी का तेल होता है वो मैंने यूज़ किया था, उसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी वो आप देख सकते हो, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों ये है मेरा प्रेजेंट सिचुएशन और मेरा सबसे यही कहना है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखो और ख़ासतौर से लड़कियाँ जिनके बाल टूट रहे हैं ना वो एवे ही नहीं जा रहे, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्योंकि बॉडी अपना न्यूट्रिशन और जो बाल है ना अपना न्यूट्रिशन और जगह बांट देते हैं इसलिए आपके बालों के झड़ने की सिचुएशन आती है। तो अच्छा खाइए अच्छा पीजिए और मस्त रहिए, टेंशन को दूर भगा दीजिए, ब्रेकअप हो गया तो भी उसको चूल्हे पर डाल दीजिए और खुश रहिए और मस्त रहिए। तो मैं आपको अपने बालों का एक वीडियो नहीं मतलब एक लुक दिखा देती हूँ ताकि जिनकी जो भी क्वेरी है ना वो उनको समझ में आए। ये देखिए धूप है अच्छी खासी हमारे यहाँ पे और उसी में ही मैं अपने बाल आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत अब मोटे नहीं रहे बाल, पतलापन आ गया इनमें और ये है बाल, स्ट्रेट उतने नहीं रहे जितने की दोस्त पहले थे, ये बाल ना अभी उतने स्ट्रेट नहीं रहे। ठीक है तो ये था आज का वीडियो और आई थिंक आप सभी लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको ठीक होने में, आप ठीक हो जाएंगे और उसके बाद आप अपनी पूरी फिटनेस पे ध्यान दीजिए क्योंकि मलेरिया डेंगू टाइफाइड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है समझो आपकी इम्यूनिटी ख़त्म हो चुकी है, तो उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए और अगर आप एक्सरसाइज के नाम पर अपनी डाइट को कम कर रहे हो ना तो वो भी मत कीजिए क्योंकि न्यूट्रिशन अगर बॉडी में नहीं गया तो आपको प्रॉब्लम होने ही होने वाली है। तो दोस्त अपना ख्याल रखिए और अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है वो तो ये बात ध्यान ही रखिए, अगर आपके आसपास भी किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी मदद कीजिए, उस तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ ना हम लोग फिर से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें और लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए